मकरन और रोटरी क्लब के तत्वाधान में आज स्थानीय लगनशिया हॉस्पिटल में एक विशाल आई कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 570 पेशेंट की आंखों की जांच की गई और उनमें से 80 पेशेंट को सिलेक्ट किया गया जिनकी आंखों के ऑपरेशन होना जरूरी है। मकराना रोटरी क्लब के सदस्य ने उन सभी पेशेंट को लगनशिया हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जिनका ऑपरेशन होना है। उन सभी को कल सुबह यानी आज 6 बजे कुचामन हॉस्पिटल वाहनों द्वारा ले जाया गया और वहां से ऑपरेशन करवा कर वापस लगनशिया हॉस्पिटल में लाया जाएगा। ओपीडी के लिए लाडनू से डॉक्टर बलवीर सिंह जी और वीरेंद्र सिंह जी, नागौर से नेत्र चिकित्सक आए और साथ में उनके सहायक टीम मकराना में आई जिन्होंने आंखों की जांच करके 79 पेशेंट को ऑपरेशन के लिए चयनित किया। 9:30 बजे डॉक्टर लगनशिया हॉस्पिटल में आए और आते ही उनका मकराना के रोटरी क्लब के मेंबर बने हॉस्पिटल सदर अब्दुल अजीज बामाशा हाजी शौकत अली जी गहलोत ने माला पहनाकर स्वागत किया। मकराना रोटरी क्लब के मेंबर्स ने चाय पानी नाश्ता खाने सब की व्यवस्था कर रखी थी और 3 दिन तक पेशेंट की रहने की, कुचामन लाने ले जाने की, दवाइयों की और काले चश्मे की व्यवस्था मकराना रोटरी क्लब के तत्वधान में ही रहेगी। इस दौरान यहां पर मौजूद रहे हॉस्पिटल के सदर अब्दुल अजीज के समेत पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री मुख्तियार जी गौड़, सचिव हॉस्पिटल वकील साहब खुर्शीद अहमद पाठी एवं रोटेरियन ए की कुरेशी रामस्वरूप सोलंकी, जाकिर हुसैन, राजकुमार साखला, तेजपाल जी बागड़ी, क्लब सचिव कैलाश जी टांक, अध्यक्ष अब्दुल अजीज गहलोत, अब्दुल खालिक चौहान, कंबल कांकानी, महमूद हसन जी सिसोदिया, सिकंदर अली जी सिसोदिया, अब्दुल कयूम भाटी, शौकत बादाम, सिराज सिद्दीकी, गोविंद जी लड्डा, ए जी बेलिन, आरिफ सिसोदिया, एजाज अहमद, पाचू राम नरसिंह, अब्दुल रहीम देवराज सोलंकी, दिनेश शर्मा, मंजूर अहमद एंड रोटेरियन के सभी मेंबर मौजूद रहे। आप देख सकते हैं यहाँ लगनशिया हॉस्पिटल में जो रोटरी क्लब के तत्वाधान में जो आई कैंप लगाया गया था उसमें आज 79 पेशेंट चयनित किए गए हैं और यहाँ सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर यहाँ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए इसी के चलते आगे की जानकारी लेते हैं हमारे रिपोर्टर अब्दुल अजीज गहलोत से। रोटरी क्लब की तरफ से लगाए गए आई कैंप के अंदर 79 पेशेंट को चयनित किया गया जिनके आंखों के ऑपरेशन होने जरूरी है। उनमें से लगनशिया हॉस्पिटल में कुछ पेशेंटों को रखा गया, कुछ कुचामन में है और उनके हॉस्पिटल उनके सर्जरी की प्रक्रिया अभी स्टार्ट हुई है और 9 बजे से 2 बजे तक सर्जरी चलेगी आंखों की। उसके बाद में सभी पेशेंटों को वापस लगनशिया हॉस्पिटल में लाया जाएगा और यहीं पर उनकी 2 दिन तक तीमारदारी की जाएगी, दवाइयाँ चश्मे वगैरह देकर और आंखों की पट्टी खोलकर सभी पेशेंट को विदा किया जाएगा। ये सब पेशेंट जो है ये आंखों की ऑपरेशन के लिए कुचामन जा रहे हैं और वहाँ इनके आंखों के ऑपरेशन होंगे। कुचामन में जो आई हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में पीछे जो आई हॉस्पिटल बना हुआ है, उनमें इसके उन सभी पेशेंटों के ऑपरेशन होंगे। इन सभी को वहाँ पर ले जाया जा रहा है और 2 बजे तक 3 बजे तक सारी सर्जरियाँ पूरी हो जाएगी और वापस इन सबको लगनशिया हॉस्पिटल में लाया जाएगा। मकराना के सभी रोटेरियन अपनी इसमें भरपूर सेवाएं दे रहे हैं। गंगा सिंह जी, गंगाराम जी मेघवाल, खालिद चौहान, महमूद हसन जी सिसोदिया, कमल कंकानी और हमारे बाकी साथी रोटेरियन काफी पेशेंटों को लेकर कुचामन पहुंच चुके हैं। धन्यवाद।